दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे, आज हमारी उपस्थिति जौनपुर शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी यादवेंद्र नगर स्टेशन, जो कि गाजीपुर रेल लाइन पर पड़ता है, किराकत रेलवे लाइन पर पड़ता है। तो आप जौनपुर शहर से आप जब निकलेंगे, जौनपुर जंक्शन से जब निकलेंगे, तो पहला स्टेशन यादवेंद्र नगर स्टेशन है। तो उसी का आज हम अपडेट आप सभी को देने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसे अपडेट में बने रहिए। यहाँ पर नई बिल्डिंग बन चुका है, काफ़ी दिनों हो गया है, तो उसका हम व्यू आप सभी को नहीं दिखा पा रहे थे यादवेंद्र नगर स्टेशन का। तो आप सभी लोग प्यार सपोर्ट बनाइए, इस यादवेंद्र नगर स्टेशन का आज नज़ारा देखिए इस वीडियो के माध्यम से। कहना चाहेंगे जो पिछली जो यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग थी, फिलहाल उसको तोड़ दिया गया, जो प्राचीनता था उसका, उसको पूरा ढहा दिया गया है। तो ये नई बिल्डिंग, फिलहाल नई बिल्डिंग बना है, तो उसका आप बाहर से व्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हरे भरे पेड़ भी लगाए गए हैं और कुछ पुराने पेड़ भी यहाँ पे थे। तो फिलहाल इधर देखिए, बाहर साफ़ सफाई नहीं हो रही है, यादवेंद्र नगर स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं, और इधर भी कुछ प्रकार का गंदगी। तो चलिए फिलहाल स्टेशन परिसर में चलते हैं, और बाहर देखिए जो एंट्री का और निकासी का रास्ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी गंदगी है, और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है कहाँ से। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, स्टेशन का पूरा व्यू दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 यहाँ पर है, तो आप सभी लोग हमारा प्यार सपोर्ट बनाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स लगा है, काफ़ी बढ़िया टाइल्स पूरा लग गया है, और स्टील की रेलिंग भी लगी है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार का स्लैब बना हुआ है, उतरने के लिए यहाँ पे स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है, और यहाँ पे पानी का जमाव भी देख रहे हैं पूरा है, काफ़ी संख्या। और यादवेंद्र नगर कुछ प्रकार का यहाँ पर देखिए नाम अंकित है बोर्ड, फिलहाल यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है, लगाना चाहिए बोर्ड। और यहाँ देख सकते हैं रिले रूम है, जो अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी इसका टाइमिंग कोई नहीं है। और बैटरी रूम भी बंद है, आईपीएस रूम भी बंद है, और ओएफसी रूम बंद है। मतलब पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ताला लगा हुआ है स्टेशन परिसर में। तो यहाँ पर एक ही ट्रेन रुकती है, मेमू पैसेंजर ट्रेन। तो फिलहाल आप लोग पहले का भी देखे होंगे, यहाँ प्राचीनता तो काफ़ी पुराना था, तो उसको बदल दिया गया है फिलहाल, और नई बिल्डिंग बना दिया गया है। और देख सकते हैं आप लोग गैंग संख्या 7AJ यादवेंद्र नगर स्टेशन। यहाँ पर देखिए प्रतीक्षालय रूम बंद किया गया है फिलहाल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है हमको लग रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी प्रकार का गेट बंद है, और साफ़ सफाई यहाँ पे कोई नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ प्रकार का स्टील का रेलिंग लगा हुआ है, ये देखिए कुछ प्रकार का मार्बल तो काफ़ी बढ़िया लगा है, लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई है, जो यहाँ पे जो गंदगी है उसको नहीं किया जा रहा है, साफ़ सफाई नहीं किया जा रहा है। तो हम मांग करेंगे जो रेलवे के जो कर्मचारी लोग यहाँ पे इसको देखें, और यादवेंद्र नगर जो स्टेशन है तो उसको स्वच्छ रखें। और यहाँ पे फ़िलहाल 2 प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2। और तो फिलहाल देखिए प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचा है, यहाँ पे एक ट्रेन आती है मेमू पैसेंजर, जो कि अभी देखिए ग्रीन सिग्नल हुआ है, एक ट्रेन कोई ट्रेन आ रही है, तो मेमू पैसेंजर ट्रेन ही आ रही होगी, या तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही हो। फिलहाल देखिए हम प्लेटफॉर्म पर हैं, आगे चल के दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा। आगे जो लाइन ये सीधे चलाता है लाइन, ये लाइन चला जाता है जौनपुर जंक्शन, और जौनपुर जंक्शन से आप जब पहुँचेंगे तो एक चला जाता है दाहिनी तरफ, चला जाता है सागंज की ओर, और इधर चला जाता है जौनपुर जंक्शन। और जौनपुर जंक्शन से आगे आप सभी लोग जानते ही होंगे कहाँ कहाँ लाइन कटी है। फिलहाल देखिए इधर से भी एक रास्ता छोटा सा है बाहर निकलने का, और पीछे कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, कोई मालगाड़ी आ रही है, क्या आ रही है देखते हैं। फिलहाल देखिए हैंडपम्प है, हैंडपम्प अभी हम चला के देखते हैं, हैंडपम्प चालू की स्थिति में है या बंद की स्थिति में। पूरा देखिए ख़राब है, आप देख सकते हो पूरा ख़राब है, मतलब पूरा अभी ख़राब हो गया है। फिलहाल प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देख रहे होंगे, यादवेंद्र नगर स्टेशन, जो कि जौनपुर जंक्शन से आप चलेंगे तो पहला स्टेशन यादवेंद्र नगर स्टेशन, ये है स्टेशन राजा जौनपुर स्वर्गीय यादवेंद्र दुबे जी के नाम पे यह पड़ा है यादवेंद्र नगर स्टेशन। तो इसका कोई देखभाल नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है,
फिलहाल देखिए इधर ट्रेन जाती हुई। सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, जैसा बता दें आपको, जो कि डायवर्ट ट्रेन है। बताना चाहेंगे डाइवर्ट ट्रेन जा रही है सद्भावना एक्सप्रेस, क्योंकि वाराणसी के रूट पे जब और ओडिहार से वाराणसी के जो रूट जाता है तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो इस समय इस ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। तो ये ट्रेन किराकत होते हुए जा रही है। और इस प्रकार का यहाँ देखिए यादव नगर का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दुबे जी के नाम पे यह यादविंदर स्टेशन। तो सामने आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आपको इस समय बाथरूम करने के लिए लेडीज जेंट्स, उधर से या तो लेडीज होगा या तो इधर से लेडीज होगा, तो बाथरूम बनाया गया है माताओं बहने के लिए। और फिलहाल हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर, दो की स्थिति आपको दिखा दें। एक तो आप लोग देख लिए जब से हम एंट्री किए उसके हम बाएं तरफ आए, तो ये यादवेंद्र नगर स्टेशन का बोर्ड, तो हाल ही में इसका रूप बदला गया है बताना चाहेंगे। तो फिलहाल देखिए प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आ गए हैं, और पहले ये सिंगल ट्रैक था, कुछ महीने हुए हैं तो उसको डबल ट्रैक दोहरीकरण किया गया है। तो उस दोहरीकरण में हमारा कोई वीडियो नहीं था, क्योंकि उस समय हम थोड़ा बाहर थे और आप सभी से थोड़ा दूर भी थे, मतलब थोड़ा कम प्रयोग कर रहे थे और थोड़ा बीमार थे उधर। तो बताना चाहेंगे यहाँ पे टीन सेट की बात है, यहाँ पे कोई बड़ा टीन सेट नहीं है और यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी नहीं बना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे यादव नगर स्टेशन के आगे जाएंगे मुफ्तीगंज में आपको फुट ओवर ब्रिज भी मिलेगा और टीन सेट भी मिलेगा। यहाँ देखिए बैठने के लिए व्यवस्था तो बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर टीन सेट नहीं है, आगे दो टीन सेट यहाँ पे बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर दो टीन सेट है, प्लेटफॉर्म नंबर एक पे तीन टीन सेट है। और फिलहाल आज 14 सितंबर 2023 है और शाम के हो चुके हैं 4:30। और दिखाना चाहेंगे आगे दो टीन सेट यात्रियों को बैठने के लिए जो छांव है दिया गया है उसको, आगे दो टीन सेट है। और प्लेटफॉर्म नंबर एक पे बता दें मित्रों कि चार टीन सेट है, एक टीन सेट ये है और एक टीन सेट मतलब आगे, तीन सेट लगाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था हमको काफ़ी अच्छी लगी कि जो यात्रियों के लिए जो टीन सेट है तो उसके लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है, तो आगे बैठने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है। और सामने देखिए हैंडपम्प है प्लेटफॉर्म नंबर दो पे, तो फिलहाल वो भी बंद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो रेलवे के तमाम अधिकारियों तक जाए और जो ये जौनपुर से जो गाजीपुर वाली लाइन है और ओडिहार वाली लाइन है, तो जो पहला स्टेशन है जो पड़ता है यादवनगर, तो यादवनगर स्टेशन का रूप तो बदल चुका है लेकिन इसका जो सुधार है, जो गंदगी है, जो साफ़ सफाई है, तो उसको जल्द से जल्द इसको देखें और उस पर थोड़ा विचार करें। और बताना चाहेंगे इधर सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है स्टेशन की, जिससे यात्रियों को काफ़ी मतलब सामना करना पड़ता होगा। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का यह अपडेट यादव नगर स्टेशन का अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।